गणपति बप्पा मोरया। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है गणेश चतुर्थी और हम सब गए हैं मार्केट गणपति जी को घर लाने। तो बच्चे देखो कैसे गणपति जी के अलग अलग प्रकार के स्वरूपों को देख रहे हैं। इसके बाद हमने जब गणपति जी ले लिए, उसके बाद हमने ली मालाएं। मालाएं इतनी सुंदर थी कि चूज़ करने से पहले मेरा ध्यान चला गया सबसे पहले उन गणपति जी पे, जो दूर से ऐसा लग रहा था मानो मुझे ही देख रहे हों। बच्चे साथ थे तो हमने सोचा जल्दी जल्दी माला और पूजा का सारा सामान ले लेते हैं। मालाएं इतनी सुंदर थी कि उनसे ध्यान ही नहीं हट रहा था। बार बार अलग अलग तरह के फूल, अलग अलग कलर, अलग अलग तरह से इतनी सुंदर सुंदर मालाएं उन्होंने बना रखी थी। आप खुद देखो ये माला कितनी सुंदर है, नीचे मोती भी जड़े हुए हैं इसमें। इसके बाद हम पहुँच गए थे सीधा मीनू दी के घर। मीनू दी गाड़ी में से सामान लेके आ रही थी और देखो शिवी ने और नोनी ने किस तरह अपने गन्नू का वेलकम किया दोनों तरफ जल लेके। मीनू दी कह रही है इसमें कि शिवी तो पूरी भक्त बनी हुई है। चलो अंदर चलते हैं, गन्नू को घर में गृह प्रवेश करवाते हैं। और गन्नू आ गए थे दीदी के घर। ये देखो दीदी ने अपने गन्नू को स्थापित कर दिया था मंदिर में। इतना सुंदर स्वरूप है कि इनसे नज़र ही नहीं हटती है, मन करता है बार बार ही नहीं देखे जाओ। फिर आ गए थे हम अपने घर, गुरु ने यहाँ पे वेलकम किया अपने गन्नू का और देखो कितना खुश है अपने आप। इसने कपड़े चूज़ किए थे कि मम्मा मैं ये पहन के जाऊँगा, पूजा के टाइम येल्लो पहनते तो मैं येल्लो पहनूँगा। और देखो गन्नू आ गए थे हमारे घर और हमने भी गन्नू को स्थापित कर लिया था अपने मंदिर में। जय गणपति महाराज। ये देखो आप हमारे गन्नू का स्वरूप, कैसे लग रहे हैं आपको हमारे गणपति जी, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर स्वरूप। गुरु तो वहाँ से हट ही नहीं रहा था, बार बार इसे बोलना पड़ रहा था कि बेटा हटो अभी बहुत चीज़ें हैं। ये था गुलाब के फूलों का वो हार जो गुरु को बहुत पसंद था और गुरु ने ज़िद की कि मम्मा हम यही हार लेके चलेंगे। ये देखिए कितने सुंदर गुलाब हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इन गुलाब में से। और गुरु ने और मैंने मिलके गन्नू का स्वागत किया, गन्नू को हार पहनाया। और देखिए ये है दूर्वा। दूर्वा का बहुत महत्व माना जाता है गन्नू को स्थापित करने में, गन्नू की पूजा में। तो हम ये भी लेके आए थे, यहाँ गुरु ने कर ली है पूजा और गणपति महाराज से बहुत सारी रिक्वेस्ट भी कर ली इसने आते ही। ये देखो कैसे लग रहे हैं हमारे गन्नू। तो चलो सोचा भोग के लिए मिठाई घर से बनाए, तो मैंने सोचा बनाते हैं बेसन का हलवा। हालांकि मुझे हलवा वगैरह बनाना इतना अच्छा आता नहीं है, पर मम्मी को बनाते हुए देखा है तो सीखा है। गन्नू की हो गई है पूजा, हार उन्होंने पहन लिया है, हलवा भी रेडी है। अभी गन्नू को हम लगाएंगे भोग और देखिए किस तरह से गन्नू का स्वागत किया हमने। ये मैंने दूध तैयार कर लिया था गन्नू का और ये हलवा, तो सोचा चलो गन्नू को अपने हाथ से खिलाया जाए। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, ये देखो हमारे गन्नू भोग लगाते हुए। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना कि क्योंकि लास्ट 2 ईयर से जब दीदी लेके आती थी तो गुरु हर बार ज़िद करता था मम्मा हम कब लाएंगे। कल जब मैं ऑफिस में थी तभी इसका फ़ोन आ गया था, मम्मा आप कल की लीव लेना क्योंकि मुझे गन्नू को अपने घर लेके आना है। तो सब बोलो एक साथ गणपति बप्पा मोरया।